हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। बहुत कमेंट आ रहे थे सर कंस्ट्रक्शन स्टेप बताओ, मैंने कहा चलो आज कंस्ट्रक्शन स्टेप बताते हैं। ये उनके पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा, जो भी नया नया अपना खुद का सपनों का महल क्रिएट करना चाहते हैं उनके भी पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। जो सपनों का महल किसी का तैयार करना चाहते हैं, मीन सिविल इंजीनियर्स भी देख सकते हैं इसको और नॉन सिविल इंजीनियर्स भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले जो बिल्डिंग है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसका लुक और ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग सही तरीके से बनी हुई है तभी जाके उसकी वो चीज आएगी जो आपको चाहिए। एग्जैक्टली ड्राइंग सही बनी है तभी वो एलिवेशन आएगा जो आप ड्राइंग में, इन द सेंस उसमें आपको 3D भी उसी हिसाब से बनवाना पड़ेगा। तो ड्राइंग और 3D एक से बढ़ के एक है आज के टाइम में। तो जितना बेहतरीन हो सकता है उतना अच्छा चूज करो। तो ड्राइंग के लिए आप अपने नियर अबाउट किसी भी आर्किटेक्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर रहता है। तो आपको ड्राइंग तैयार करना है और 3D तैयार करना है, सबसे पहला स्टेप्स है। इसके बाद आप, कई लोग होते हैं कि जिनके पास वो खुद चाहते हैं मैं सारा खुद से क्रिएट करूँगा, कई लोग चाहते हैं मैं कॉन्ट्रेक्टर को दे दूँ, लफड़ा खत्म। ठीक है, तो दोनों भी सही है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप खुद से क्रिएट करो, बाकी आप कॉन्ट्रेक्टर को भी दे सकते हो। अब कॉन्ट्रेक्टर को भी दो तरीके से देते हैं, एक तो देते हैं विद मटेरियल, एक देते हैं विदाउट मटेरियल। ठीक है, अब विद मटेरियल भी आप दे सकते हो उनको, विदाउट मटेरियल भी दे सकते हो, बट आपको रेट पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखो, हर जगह पर रेट वेरी करता है लोकेशन वाइज, कितना कहां पर क्या क्या लोग प्राइजेस ले रहे हैं। तो अगर एक लाइक इंटरमीडिएट टाइप का आपको अच्छा हाउस क्रिएट करके देना है तो जो अप्रोक्स आज के टाइम में जो विथ मटेरियल चार्ज चल रहा है वो 1500 चल रहा है। कितना? 1500। फिलहाल ये ग्राफ स्टार्ट होता है फ्रॉम 1300 टू 1800, 1300 से 1800 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट वो चार्ज करते हैं सब लोग। अब आपका किस जगह पे लोकेशन पे है और किस क्वालिटी में आप बना रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, बट एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ 1500 रुपए स्क्वायर फीट विथ मटेरियल आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो हम लोग चार्ज करते हैं और बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल के साथ। तो आपको अगर कॉन्टेक्ट करना रहेगा तो आप वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि चलो ठीक है, अपन ने क्या किया विथ मटेरियल देके फुर्सत कर लिए, बट अगर आप कॉन्ट्रेक्टर को जानते हैं तभी विथ मटेरियल दीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मटेरियल खुद से दीजिए उनको मटेरियल, क्योंकि क्या होता है कि मटेरियल में बहुत से वेरिएशंस हैं, ब्रिक की अलग अलग क्वालिटीज हैं, स्टील की अलग अलग क्वालिटीज हैं, सीमेंट की अलग अलग क्वालिटीज हैं। अब सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी को देंगे प्रोजेक्ट करने को तो जो अच्छे कॉन्ट्रेक्टर हैं, अगर वो आपके नोन में या फिर अच्छे जो भी कॉन्ट्रेक्टर है आपको लगता है तो उनको दीजिए प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ऐसे कॉन्ट्रेक्टर है वो कॉन्ट्रेक्टर की लगता है आपको कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा कि उनको मटेरियल अपने तरफ से दीजिए। तो लेबर का जो चार्ज वो अप्रोक्स जो लगाएंगे वो 180 से 260 के बीच में, अब ये भी वेरी करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 230-220 लेते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर फीट, बट हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ अलग वेरी कर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मेट्रो सिटीज में लेबर थोड़े से ज्यादा लेते हैं, गाँव में थोड़े से लेबर की कॉस्टिंग कम होती है, आप सबको पता है। तो ये फिक्स कर लीजिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि मटेरियल आप अपने तरफ से दीजिए, उनको बोलिए आपको जो सबसे स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ, उनसे सिर्फ लेबर कॉन्ट्रेक्टर के लिए बात करिए, ये ज्यादा अच्छा रहता है अगर आपके पास वक्त है और अपना सपनों का महल तैयार करना है तो। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर चलो ठीक है, हमको मटेरियल भी मटेरियल के साथ 1500 रुपए में पड़ गया, और क्या बोलते हैं अगर एक एवरेज ले 220 रुपए पर स्क्वायर फीट विदाउट मटेरियल हमको पड़ गया, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ 3D का क्या चार्ज रहता है? तो 3D का जो चार्ज होता है वो 6 रुपीज स्क्वायर फीट अप्रोक्स 3D का चार्ज रहता है, 2D का 3 रुपीज, 3 रुपए स्क्वायर फीट 2D का चार्ज रहता है। और इसको जब बनाते हैं प्लान को तो प्लान अच्छा बनना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करो। प्लान आपके यहाँ पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे कि कहीं पर इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कहीं पर LDA है, कहीं पर पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अलग अलग जगह पर अथॉरिटीज हैं, आप वहां से उनके रूल के अकॉर्डिंग फ्रंट कितना छोड़ना है, बैक कितना छोड़ना है, बिल्डिंग बाय लॉ का पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जिसको नहीं पता है बिल्डिंग बाय लॉ सर्च कर लेना, आपको पूरा मिल जाएगा कि उसमें कैसे कैसे हमको कितना कितना मार्जिन छोड़ना है।
तो 2D पे फुल फोकस करके अच्छा 2D बनवाइए, उसके बाद एक 3D बनवाइए, फिर कॉन्ट्रेक्टर से बात कर लीजिए कि विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा विदाउट मटेरियल, या फिर अगर आप किसी को जानते हैं कि जो बहुत ही बेहतर करके देता है तो उसको विद मटेरियल भी दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं रेपुटेटेड होते हैं, वो ये समझते हैं कि क्लाइंट का फीडबैक ही हमारा बिजनेस का ग्रो है। और मैं आप सबको, जितने भी मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये सजेस्ट करूंगा कि क्लाइंट का फीडबैक कैसे भी करके पॉजिटिव लेना, इतना बेहतरीन कर दो जितना उनको उम्मीद ना हो, तभी जाके आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें कम ही बचे, लेकिन हमारा फीडबैक दूर तक जाना चाहिए, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्वालिटी बहुत बेटर करता है इस बिजनेस में। चलिए, अब तो हो गया ये सब फिक्सिंग हो गया, अब काम स्टार्ट करें। तो काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको, आप सबको पता है कि एग्रीगेट स्कोर गिट्टी बोलते हो, 20 mm की गिट्टी आपको ले लेनी है। सैंड, अब कई जगहों पे रिवर्स सैंड यूज करते हैं, कई जगहों पे क्रशिंग सैंड यूज करते हैं, तो मैं इसके लिए सजेशन दूंगा कि जहां पे आपके यहाँ पे जो अवेलेबल है कम प्राइस में उसको लो। कई जगहों पे रिवर्स सैंड अवेलेबल है वो सस्ती पड़ती है वो ले लो, कई जगहों पे क्रशिंग सैंड सस्ती पड़ती है वो ले लो, ठीक है, जो आपके एरिया में अवेलेबल है नियर अबाउट, क्योंकि इन सब में मटेरियल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है बहुत ज्यादा चला जाता है, तो इसलिए यही सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद ब्रिक की बात करूं तो ब्रिक में भी फ्लाई एस है आपका, जो एक कन्वेंशनल ब्रिक्स है आपका, और एक है AEC ब्लॉक्स है, ठीक है। इसमें भी देखो सबके अलग अलग फीडबैक्स हैं, मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं कुछ बुरी चीजें हैं। अगर आपको चाहिए कि ब्रिक की क्वालिटीज के बारे में मैं बताऊं तो नेक्स्ट एक अलग सेपरेट वीडियो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कमेंट करना, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये भी आपके नियर बाय जो अवेलेबल है, फ्लाई एस अवेलेबल है तो उसको यूज करो, कन्वेंशनल ब्रिक्स अवेलेबल है तो उसको यूज करो। क्यों? क्योंकि आपको प्राइस को भी मेंटेन करते हुए चलना है ना, क्योंकि अगर आप 1500 का ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको वेरिएशन करके अच्छा क्वालिटी भी देना है प्लस प्रोडक्ट भी अच्छा देना है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। चलिए, अब स्टील में भी अगर आप प्योर स्टील यूज करना चाहते हैं तो 550D यूज करिएगा। प्योर वही यूज करते हैं जो एकदम हाई क्वालिटी का अपना बनाना चाहते हैं, जनरली लोग 500D का ही यूज करते हैं, उसमें थोड़ा मिक्सअप होता है, 2-3% का मिक्सअप होता है, आप चाहते हैं तो उसको भी यूज कर लीजिए, लेकिन अगर आपको क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं करना है तो 550D लीजिए, खतरनाक फीडबैक मिलेगा जिसमें आपको एकदम ब्रांडेड TMT वगैरह के सब अच्छे अच्छे स्टील्स मिल जाएंगे। चलिए भाई, स्टील हो गया है सब कुछ, मटेरियल अवेलेबल खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया, सीमेंट के लिए भी अलग अलग है, जो भी आपको सीमेंट चाहिए अप्रॉक्स 300 से 350 के बीच में अच्छे सीमेंट्स आपको कई ब्रांड्स के मिल जाएंगे, लोकल और बिरला के भी मिल जाएंगे, JP का मिल जाएगा, ठीक है, विराट का मिल जाएगा, अलग अलग है, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इसलिए नाम नहीं लेंगे किसी का, छोड़ जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, आप अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें OPC और PPC अलग अलग यूज करते हैं, वो करोगे तो और अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर लोग तो नॉर्मल ही यूज करते हैं OPC हर जगह, बट OPC PPC अलग अलग ले लोगे तो और अच्छा रहेगा। और अब चलते हैं, मटेरियल हो गया, अब स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके साइट पर एक इंजीनियर आता है जो कि मार्किंग करके जाता है, ठीक है। तो मार्किंग आपको प्रॉपर करनी चाहिए, जिससे कि मार्किंग से क्या फायदा होगा, सेम उसी जगह पे आपका जो एक जहां से फुटिंग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम सीध में, अगर फुटिंग होगी अच्छे से वहां पे आपने उसकी पैडिंग वगैरह कर दी तो क्या होता है एलिवेशन मिलाने में बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ईजी जाता है। तो सबसे पहले मार्किंग कर देना है, मार्किंग जैसे ही हो जाती है उसके बाद आप सबको पता है कि खुदाई करना है, वहां पर आपको PCC की लेयर बनानी है और बढ़िया सी लेयर बनानी है, जो कि कई लोग तो क्या बोलते हैं गिट्टी का करते हैं, गिट्टी को इकट्ठा करके कई लोग प्रॉपर एक लेयर बनवाते हैं PCC का, तो लेयर बनवाती है ज्यादा बेटर रहता है। उसके बाद वहां पर कॉलम खड़ा करना है, भाई कॉलम खड़ा करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी ना, तो कॉलम ऐसे है, अब इस कॉलम के लिए कुछ चाहिए तो नीचे फुटिंग, अब फुटिंग में भी कोई आइसोलेटेड में कोई स्लोप यूज करता है, कोई पैड यूज करता है, एज पर योर ड्रॉइंग्स आपको कर देना है। चलिए, ये सब कुछ हो गया आपका, नीचे यहाँ पे PCC का लेयर करवा दिया, उसके बाद आपने फुटिंग करवा दी, फुटिंग के बाद कॉलम ले लिया। अब ये कॉलम लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, प्लिंथ डाल देना चाहिए, क्या डाल देना चाहिए, प्लिंथ बीम डाल देनी चाहिए। चलिए, प्लिंथ बीम के बाद मैं एक चीज सजेशन करूंगा जो लोग नहीं करते हैं, वो है DPC। क्या है, क्या बोलते हैं DPC, DPC से क्या फायदा होता है, DPC से फायदा ये होता है कि आपका जो जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का जो भी सीलन वगैरह होगा वो आपके वॉल को टच नहीं करेगा। तो प्लिंथ के बाद DPC करवाइए, और DPC करवाने के बाद कई ढेर सारे कोटिंग मटेरियल्स आते हैं, डॉक्टर विजिट के आते हैं, B2 Fix वगैरह आते हैं, तो इन सबको यूज करके कोटिंग करवा दीजिए, प्लास्टिक कोटिंग। उससे क्या होगा कि जो प्लिंथ और जो भी ग्राउंड का जो भी सीलन है वो आपके दीवार में नहीं जाएगा। कई लोग को देखते होंगे उनके दीवार में हल्की हल्की से सीलन बनी हुई रहती है, वो कुछ और नहीं है, वो सीलन वहीं से है, आदमी परेशान रहता है, सीलन आया तो आया कहां से, वो सीलन वहां से आया हुआ है, ठीक है।
दूसरी चीज जब प्लिंथ हो गया तो उसमें क्या सॉइल की फिलिंग विलिंग कराते हो आप। अब सॉइल की फिलिंग में आपको चीज का ध्यान देना चाहिए कि वहां पे लोग पानी नहीं डलवाते, कुछ लोग पानी डलवाते हैं तो बहुत कम डलवाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां पर ढेर सारा पानी प्लस कुछ ढेर सारे केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स को डलवा देना चाहिए। केमिकल को डलवा के दो तीन दिन पड़े रहने दो, उससे क्या होगा कि अंदर जो भी बैक्टीरिया, लाइक कभी कभी होता है कि आपके घर के अंदर सांप रहता है, क्योंकि मिट्टी है ना वो, तो सांप रहता है, कभी चींटियां रहती है ढेर सारी, और ये सब क्या होती है लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाद में आपको पता चलता है आपके घर में चींटियां कहां से आती हैं, आपके घर में क्या बोलते हैं सांप आ जा रहे हैं, कोई भी अलग अलग जो छोटे छोटे कीटाणु वो सब आ जाते हैं, तो कहां से आते हैं, ये सब यहीं से आते हैं। तो प्रेशर से पहले पानी डलवाइए मिट्टी पर, उसके बाद केमिकल डाल के दो तीन दिन पड़े रहने दीजिए, फिर उसकी फ्लोरिंग तो आप करवाते ही हो, फिर फ्लोरिंग करवा के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो। अब भाई प्लिंथ और डीपीसी हो गया, डीपीसी के ऊपर कोटिंग करवा दिया बिटूफिक्स का। अब ये कोटिंग करवाने के बाद आप वॉल क्रिएट करते हो जिसके लिए ब्रिक्स यूज करते हो। अब कई लोग क्या करते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं, कई लोग फ्रेम स्ट्रक्चर करते हैं। आज के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर के डेफिनेटली वो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक के लिए भी अच्छा है वो, तो फ्रेम स्ट्रक्चर्स अगर यूज करते हो तो ज्यादा बेटर, तो मैं उसी को प्रेफरेंस देके उसी के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। तो अपना कॉलम वगैरह लेते हो, उसके बाद शटरिंग यूज करते हो, ठीक है। आप कॉलम के लिए जो भी आप शटरिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, कोशिश करो कि वो अच्छा क्वालिटी का हो, क्यों, क्योंकि नहीं होगा तो फिर वो हनीकॉम वगैरह का कॉज बनता है। जब वाइब्रेटर वगैरह यूज करते हैं तो वाइब्रेटर से क्या होगा इधर उधर चला जाता है, तो ऐसा न हो, इसके लिए प्रॉपर आपकी शटरिंग हो। साथ ही साथ ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शटरिंग में ऑयल, शटरिंग का ऑयल आता है या फिर कई लोग ग्रीस वगैरह भी यूज करते हैं, फिलहाल में शटरिंग का जो प्रॉपर ऑयल आता है उसको यूज करिए, जिससे कि कभी शटरिंग जब ओपन करना हुआ तो वहां पर गड्ढे उड्ढे ना बना दे आपके कॉलम के ऊपर, जिसको आप हनीकॉम नाम से जानते हो, तो इस चीज का ध्यान देना। कॉलम बनाने के बाद फिर आप क्या करते हो, वहां पर अपने वॉल को क्रिएट करते हो, वॉल को क्रिएट करने के साथ ही साथ ऊपर स्लैब वर्क करते हो। स्लैब वर्क कर दिया, फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल बाद में भी कर सकते हो, पहले स्लैब डाल दो। अब स्लैब के लिए जो प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स लगाओ, कई लोग लकड़ी का वो बनाते रहते तो वो अच्छा नहीं होता, आप प्लेट का यूज करोगे तो स्लैब आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। देखो वीडियो लंबी बन रही है, पूरा स्टेप आ रहा है ना, तो इसके लिए तो मैं यही चाहता हूँ कि जो वीडियो लंबी हो तो उसको आप लोग उतना ही प्यार दें, जिससे कि हमें, क्योंकि कोई भी टॉपिक को इतना जल्दी नहीं खत्म हो सकता है, तो बड़ी वीडियो बनाने के लिए भाई टाइम लगता है, तो इसको आप लोग शेयर भी करना जिससे हम अप्रिसिएट हों, तो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स जैसे कि मटेरियल वगैरह के बारे में और डी में बता सके। चलिए, तो स्लैब आपने कॉस्ट कर दिया, स्लैब कॉस्ट करने के बाद आप अब ब्रिक वर्क करने लगे। ब्रिक वर्क करते ही आपको क्या करना है, उसमें आपको अपनी जो गेट वगैरह हैं, गेट है, विंडो है, डोर विंडो जिसको बोलते हो आप लोग, डोर विंडो के लिए आप अपने जो भी यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं फ्रेम्स, या फिर आप वुड का भी फ्रेम यूज कर रहे हैं वुड का भी यूज कर दीजिए, स्टील का यूज करें स्टील का, जनरली लोग आजकल वुड का प्रीफर कर रहे हैं, तो वुड की प्लेसिंग्स करवा दीजिए वॉल के क्रिएशन के टाइम पे ही, जिससे कि प्रॉपर वो प्लेस हो जाए। चलिए, जब वॉल क्रिएट हो गई, इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद आपको पाइपिंग वर्क भी वहीं पर ही देख लेना है, और पाइपिंग वर्क के लिए आपको प्लम्बर्स को बुलाना है, ऊपर से पानी कहाँ से आएगा सारा कुछ वो कर देगा। मैं इसके लिए भी सजेस्ट करूंगा कि प्लानिंग जिससे भी करवा रहे हैं उसी को बोल दीजिए कि ड्रेनेज हमको किधर से निकालना है, उसकी भी एक ड्रॉइंग दे दे तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कमरे का पानी है जो निकल ही नहीं रहा है, बाद में ये पता चलता है, तो इस चीज को भी ध्यान दें। एक स्टेप में मिस कर दिया यार, सॉरी। जब हम लोग क्या बोलते हैं फुटिंग वर्क कर रहे थे उसी टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक सेप्टिंग टैंक बनाना पड़ता है। सेप्टिंग टैंक देखो मेरे कोई कंटेंट नहीं होता है, जो जो हमने किया है वही वही जो माइंड में रहता है वही आपको बताता हूँ, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ मैं। तो सेप्टिक टैंक में ध्यान देना चाहिए कि वहां पर डॉक्टर फिजिक यूज कर लेना चाहिए, प्रॉपर एक मोटा प्लास्टर आपको करना चाहिए, कम से कम 20 mm का प्लास्टर कर देना चाहिए अंदर, और उसके बाद डॉक्टर फिजिक यूज करिए, जिससे कि क्या होता है, क्या अभी क्या होता है कि पानी सोखने लगता है आपका सेप्टिक टैंक, पूरी पूरे घर में कहां से सीलिंग आ रही है कुछ पता नहीं चलता है, तो भाई सेप्टिक टैंक का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको प्रॉपर कर लेना है। चलिए, अब आते हैं, ये हो गया आपका पाइपिंग वगैरह कर दिया, पाइपिंग के बाद आपने पता चल गया कहां कहां से निकलना है, फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल प्लम्बर्स को बुलाइए, और वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक जहां जहां पे पॉइंट्स चाहिए आपको सारे पॉइंट्स दे देगा, और ये पॉइंट्स देने के बाद फिर आपको क्या करना है भाई, पॉइंट खत्म हो गया, ये वर्क हो गया, फिर अपना प्लास्टरिंग कर दीजिए, बाहर का 20 अंदर का 12 mm का प्लास्टरिंग कर दीजिए। प्लास्टरिंग वर्क होने के बाद फिर अपना नॉर्मल आपको अगर पेंटिंग वगैरह करना है, पेंटिंग में भी अलग अलग वेराइटीज हैं, अब वो डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आप किस लेवल की पेंटिंग्स करना चाहते हो, पेंटिंग करिए, उसके बाद अपने बाथरूम वगैरह में भी जो वेस्टर्न है या फिर इंडियन टॉयलेट है वो सब सेट करिए, और इसके बाद ये सब करने के बाद ऊपर का रेलिंग्स है, रेलिंग्स में अगर एल्यूमिनियम की रेलिंग यूज कर रहे हैं या फिर स्टील के रेलिंग्स यूज कर रहे हैं जो पेडेस्टल के लिए यूज होता है, वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं।
फिर प्रॉपर कोट कलर कोटिंग करिए, मीन्स अच्छे से अच्छा जो कलर है। मैं कोशिश मैं ये कहता हूँ कि कलर के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने घर को, थोड़ा अच्छे से जब वो क्लियर हो जाता है, मीन्स एकदम अभी सूख जाता है, उसके बाद कलर की कोटिंग करेंगे तो उसका लाइफ थोड़ा सा इंक्रीज होता है। प्लस कभी कुछ गड़बड़ होने वाला है तो पहले से ही पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो तुरंत ही पेंटिंग पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, पेंटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्राइमर वगैरह मरवा दीजिए उस पर और व्हाइट सीमेंट वगैरह, उससे थोड़े दिन रुक जाइए उसको करके। अब जब ये सब हो गया, कोटिंग वगैरह हो गया, तो फिर अंदर थोड़ा इंटीरियर का भी वर्क करना पड़ेगा, तो इंटीरियर में मॉडर्न किचन बनवा दीजिए अगर आपको बनवाना है तो, ठीक है अगर आपको बनवाना है तो उसके बाद फॉल सीलिंग्स बनवा दीजिए हॉल वगैरह में, ये सब बनवा के आप प्रॉपर अपना स्टेप्स को उस इंटीरियर डिजाइनिंग करके घर को सेट करके आप कंप्लीट स्टेप से लॉक कर सकते हैं और अपने मालिक को दे सकते हैं, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट जिसका भी है उसको प्रोजेक्ट दे के प्रॉपर आप इनकम ले सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सी चीजें और भी हैं जिनको हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेप बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि शटरिंग के अलग अलग टाइप्स है, आप कौन से शटरिंग यूज करेंगे, ब्रिक्स के लिए कौन कौन से टाइप्स, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मटेरियल्स का एक अलग से वीडियो बनाऊं। अगर इस वीडियो में आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, शेयर किया, तो मैं मटेरियल का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि टाइलिंग है, अब टाइलिंग के लिए क्या करना चाहिए कि टाइलिंग कई लोग तो बनाते ही नहीं है विलेज वगैरह में, तो लेकिन टाइलिंग के भी अलग अलग क्वालिटीज है, मार्बल के अलग अलग क्वालिटीज है, कौन कौन से क्वालिटीज है, उनके प्राइजेस क्या क्या है, इनके बहुत अलग अलग ग्राफ है, इनका 200 से स्टार्ट होता है, 300, 400, 500, 600 रुपीज तक जाता है। अब इन पे भी मैं सोचता हूँ कि मैं एक मटेरियल्स पे वीडियो बनाऊँ, जितना मटेरियल्स को मैंने जाना है और कहाँ से मटेरियल सस्ते मिलते हैं ये भी मुझे पता है, तो आप मटेरियल्स लिखना कमेंट में, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मटेरियल्स लिखें, तो एक दिन मटेरियल्स पे ही फुल फोकस करूंगा। मटेरियल में याद रखना कि मुझे इससे याद आया कि अगर आप टाइलिंग करवा रहे हो तो केमिकल्स नीचे डलवा देना, नहीं तो क्या होगा टाइलिंग आपका जब चलो टक 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 आवाज आएगी, टाइलिंग अंदर से होलो रह जाती है, ठीक है। केमिकल्स यूज करोगे प्रॉपर सेट होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करवाया था जब गड़बड़ हो गया था तो मुझे वहां से समझ में आया था। चलिए होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की, अगर अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करना सर मटेरियल्स, तो मैं मटेरियल जितने हैं मार्बल है टाइल है, ठीक है अलग अलग, जैसे कि आप सिंक यूज करते हो सिंक के भी अलग अलग वेसिंग के अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा विच वन इज बेटर। उसके बाद वायरिंग करवाते हो इलेक्ट्रिकल की, जो लाइटिंग्स वगैरह लगाते हो इसके लिए कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है, तो वो सभी। लेकिन याद रखना प्लम्बिंग की भी ड्राइंग बनवाओ, इलेक्ट्रिकल की भी ड्राइंग बनवाओ, और साथ ही साथ अपने बिल्डिंग प्लान का तो बनवाओगे ही बनवाओगे, ड्राइंग बनवा के काम करने से बड़ा काम इजी हो जाता है, प्लस गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। कई बार देखा गया है कि प्रोजेक्ट देने के बाद भी कुछ न कुछ इशू रह ही जाता है, ये न रह जाए इसके लिए इतने स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और शेयर करेंगे तो उसके लिए थैंक यू। मटेरियल लिखिए, नेक्स्ट टाइम मटेरियल पे फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जितना ज्यादा आपका सपोर्ट होगा उतना बेहतरीन, उतना ज्यादा टाइमिंग वाला वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। जय हिंद जय भारत।